मार्केट्स के अंदर खैर अभी भी बढ़त तो बनी हुई है, लेकिन बहुत ही आपको स्पेसिफिक होकर काम काज करना होगा। इसी स्पेसिफिकनेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लवलेश से हमने कई शेयर्स पूछे भी, उन सभी शेयर्स पे आपको राय भी मिल चुकी है, जिनमें अच्छी तेज़ी आई नहीं आ गई है उनमें भी आपको उस पर राय मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं। GSCL ने भी अपने नंबर उतारे और नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, मुनाफा अच्छा बढ़ा करीब 40% के आसपास का, या आपकी स्क्रीन पर हमने देखा रेवेन्यू भी 27% और प्रॉफिटेबिलिटी भी। वैसे GSCL को यूजली कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की ही कंपनी समझी जाती है, लेकिन अब कंपनी ऐसे सेगमेंट में भी उतर रही है कि जहाँ पर अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, चमत्कार कंपनी कर कैसे सकती है। इसी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ RS चलान है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GSCL के। सर शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं सर इस बार ना नंबर्स पे बाद में आऊँगा जलान साहब, मैं एक्चुअली दूसरी चीज़ पे पहले आना चाहता हूँ। आपको सिर्फ एक सोडा ऐश या कास्टिक सोडा की बड़ी कंपनी समझा जाता था, अब मेरे को सुन के बड़ी हैरानी भी हुई कि आप तो 3 सेगमेंट में ऑलरेडी रिटेल में भी आ चुके हैं, हनी के साथ, सॉल्ट के साथ, और एक सेगमेंट आपका और भी है जिसमें आप भी हैं, स्पाइसेस। ये कितना तेज़ी से आप और बढ़ाने वाले हैं, कितनी ग्रोथ देखेंगे सर हम आगे चल के? जैसा आपने सही बताया कि हम लोग अभी 3 बिजनेसेस में हैं। एक तरफ हम केमिकल बिजनेस में हैं, वो जो कि सोडा ऐश है, और दूसरी तरफ हम टेक्सटाइल में हैं, जो कि होम टेक्सटाइल है, जो कि प्राइमरली हम वर्टिकल यूनिट हैं, फ्रॉम स्पिनिंग से लेकर करके मेकअप बनाते हैं, और हम उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा हमारा जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है, जिसमें कि हम ब्रांडेड नमक और उसके साथ साथ हम हनी एंड स्पाइसेस जो हमने रिसेंटली ऐड किया है, उसमें हम कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में ये 3 प्रोडक्ट के साथ हम प्रेजेंट हैं। ये तीनों बिजनेसेस में अगर आप देखें तो केमिकल में तो हम बहुत सालों से हैं, इवन टेक्सटाइल में भी हम काफ़ी सालों से हैं, और कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में जो हमारा नमक वाला बिजनेस है उसमें हम कई सालों से हैं, और दूसरे प्रोडक्ट जो अभी हमने ऐड किए हैं। जहाँ तक कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में आगे हमारी बढ़ोतरी का सवाल है, जैसे आपने हमने बताया कि 2 प्रोडक्ट हमने और लॉन्च किए हैं पिछले साल में, और हमारा ये है कि हम इसको ग्रेजुअली जो है ऑल इंडिया बेसिस पर लेके जाना चाहते हैं। हाँ। अभी हमने लास्ट ईयर में हमने इसको वेस्ट में भी लॉन्च किया है, मुंबई एंड गोवा में, और आने वाले ये समय कितने, में हम ऑल इंडिया बेसिस पर लेके जाएंगे। अगले एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट आप जोड़ देंगे इस सेगमेंट के अंदर? अभी तो जैसे हमने बताया कि इस साल में 17-18 में हम जो प्रोडक्ट हमने 2 जोड़े हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ हम और वेरिएंट लेके आएंगे, लेकिन हम उस 2 प्रोडक्ट को ही रखेंगे और उसके बाद हम जो है नए प्रोडक्ट इसमें और जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग रन में हम नए प्रोडक्ट और इसमें जोड़ना चाहते हैं। डन। अच्छा सर एक छोटी सी चीज और पूछनी थी, आपको जो कोर बिजनेस है ना कास्टिक सोडा और ऐश का, इसमें ड्यूटीज का आपको फायदा मिल रहा है या फिर कुछ ड्यूटीज को आपको और चाहिए एंटी डंपिंग के तौर पर? नहीं, अगर आप देखें तो हम केवल सोडा ऐश में है, कास्टिक सोडा में हम नहीं है। ठीक है, उसमें सोडा ऐश में अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ। जो कि मिड टर्म रिव्यू के अंदर अभी अंडर सब ज्यूटिस है, और उस बिजनेस में आने वाले समय में जो प्रोटेक्शन अगर रहता है तो वो डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा और पूरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, शुक्रिया, आपसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई नंबर्स पे, क्योंकि मेरे को ये चीज़ जाना कि ज़्यादा जानने की उत्सुकता थी, इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया। शुक्रिया जलान साहब, किसी दिन और आपसे बातचीत होगी तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं। एक ब्रेकआउट शेयर हम आपको बताते हैं हर रोज़, और अच्छा चलता भी, अच्छा पैसा भी आपका बनता है। आज भी एक शेयर देखिए, ये टेक्निकल बेसिस पर दिया गया शेयर होता है, वो है अटलांटा लिमिटेड। इसके अंदर एक तो वॉल्यूम भी है और अच्छा प्राइस भी है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्च में शेयर 80 रुपये का हुआ करता था, आज मई आते आते करीब 115 हो गया, ये शेयर तो महंगा हो गया। एक्चुअली महंगा नहीं हुआ ये, और पक्का हो गया, इसको देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि शेयर बहुत तेज़ी से और भी चल सकता है अटलांटा। इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है, वॉल्यूम और प्राइस कहीं भी हमको थके हुए नहीं दिखे। लवलेश, इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, हमको तो ऐसा लग रहा है करीब 125 से 130 तक भी आ जाएगा शेयर, अभी इसमें स्टीम है, आपकी राय चाहिए सर। बिल्कुल, काफी कुछ विजिबल है चार्ट पे। स्टॉक में एक्चुअली ब्रेकआउट ऑलरेडी 102-103 लेवल पे हो गया है, स्टॉक हायर ट्रेजिक्टरी पे ही जा रहा है। आई थिंक नेक्स्ट इसमें जो लेवल आता है वो ऑन द चार्ट्स 131 है, आपका 125 भी उससे कोइंसाइड करता है, तो 125 से 130 की एक रेंज बनती है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 150 तक के भी ये पॉसिबल है, जिस तरह ये मार्च से अप्रैल और हम देख रहे हैं यू नो मई में भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, आने वाले 3 महीने में काफी बुलिश है, आई थिंक वन शुड हैव अटलांटा इन द पोर्टफोलियो।
ठीक है, अटलांटा भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में, 131 तक तो आ सकता है ऐसा लवलेश भी बता रहे हैं। 125 पे भी आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ये शेयर करीब 3.5 रुपये की बढ़त के साथ इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए। शुक्रिया लवलेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए।